दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल एडवोकेट सुशील शर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने हमीरपुर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपायुक्त से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने हमीरपुर के बस स्टैंड पर ओवर ब्रिज बनाने की मांग को उपायुक्त के सामने फिर से दोहराया, ताकि बस स्टैंड पर उतरने वाले लोग, जिनमें अधिकतर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग होते हैं, उन्हें परेशानी न हो। दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने बताया कि उपायुक्त ने उनकी मांग को जायज माना तथा इस संदर्भ में शीघ्र कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही हमीरपुर में माल रोड पर एक तरफ पानी की निकासी ना होने तथा लोगों द्वारा नाली पर अवैध कब्जा किए जाने का मामला भी उन्होंने उपायुक्त के समक्ष उठाया है। उन्होंने बताया कि संगठन के पास इसकी शिकायतें आ रही हैं कि मुख्य बाजार में पानी की नाली पर अवैध कब्जा करने के कारण निकासी नहीं हो पाती है तथा प्रसाद में लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। उन्होंने बताया कि इस कारण इस क्षेत्र के लोग लगातार डरे रहते हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर के कुछ गांव में सोलर लाइट्स लगाने का मामला भी उपायुक्त के समक्ष उठाया गया है। साथ ही गांधी चौक पर पंखे लगाने की मांग भी संगठन ने उठाई, जिससे उपायुक्त ने मान लिया है। जी, हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन का जो डेलीगेशन है वो माननीय उपायुक्त हमीरपुर से मिला। उन्हें हमने हमीरपुर की कुछ समस्याओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई और माननीय उपायुक्त हमीरपुर ने आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर उनके निवारण को लेकर वो जो है संजीदा थी। जैसे कि हमीरपुर के में हमने एक बार ओवर ब्रिज का मामला उठाया था, तो हमीरपुर बस स्टैंड के पास जो ओवर ब्रिज का मामला है, तो माननीय उपायुक्त ने भी माना कि हमीरपुर में ओवर ब्रिज बनना चाहिए वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि फिजिबिलिटी के लिए एक्सीन हमीरपुर से जो रिपोर्ट आनी थी वो अभी आई नहीं है, तो हम एक्सीन हमीरपुर से बात करेंगे। तो इस बारे में हमने उनको ज्ञापन दिया था, जिसे माननीय उपायुक्त ने मान लिया है। दूसरी तरफ हमने बात की थी हमीरपुर में जो है वो मेन बाज़ार में नाली नहीं है, तो नाली बंद होने से लोगों द्वारा कंस्ट्रक्शन आगे कर दी है, अवैध कब्जा कर लिया है, तो लोगों के घरों में हमारे पास शिकायत आई थी कि लोगों के घरों में जो है वो पानी चला जाता है। उस पानी के चले जाने से लोग जो हैं बरसात के दिनों में काफ़ी सहमे से रहते हैं कि अचानक से बरसात होती है, रात को घरों में पानी घुस जाता है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने कोशिश की है कि हमीरपुर में जो मेन बाज़ार है वहाँ पे नाली को थ्रू करवाया जाए। तो माननीय उपायुक्त हमीरपुर ने उसी वक्त SDM हमीरपुर को आदेश दिए कि वो जो है वो इस मामले को देखें और जो लोगों ने नालियों पे कब्जा किया है उसको हटाएं, तुरंत प्रभाव से हटाएं। नहीं हटाते हैं एक बार वार्निंग दे दी जाए, अगर नहीं हटाते हैं तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी।